मैंने सुना है कि ये KFC के बहुत करीब लगता है इनका ये जो बजिंगा बर्गर है, और हमने ऑब्वियसली ऑल्टरनेट स्टार्ट किया। हम मैकडॉनल्ड्स का इंटायर मेन्यू भी कर सकते थे, लेकिन हमने चीज़ का किया क्योंकि ये प्राउड पाकिस्तानी का। वाओ, ये कितनी आइटम्स है वैसे इन टोटल, किनों कितनी आइटम्स हैं? अल्लाह, इसको देख लो जरा। हेलो एवरीवन, यार मैं जब भी अनाउंस करने वाली होती हूँ मुझे याद आता है कि तुम लोगों ने थंबनेल देख लिया हुआ है। तो जी, सिनेरियो ये है कि हम लोग ना KFC ना मैकडॉनल्ड्स, हम लोग करने जा रहे हैं चीजियस, जो पाकिस्तानी प्राउड ब्रांड है उसका इंटायर मेन्यू। और आई एम सो एक्साइटेड, उनकी कोई न्यू ब्रांच खुली है हम उस पर जा रहे हैं और देखते हैं हमारा कितना ऑलमोस्ट बिल बनता है। और मैंने मेन्यू में आइटम्स कैलकुलेट की थी, अप्रॉक्सीमेटली 29 बन रही थी। उबर वाला बाहर खड़ा, हमेशा जब मैं उबर वाला बाहर खड़ा होता है वो कैंसिल करने वाला होता है ना, उस टाइम पे मैं अपनी वीडियो का वेलकम करती हूँ। मेरी बहन स्टिल अभी भी तैयार हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें। तो खैर छोड़ें इसको, मेरी आंख में इतनी ज़्यादा लाइट पड़ी है, मैंने कहा तुम लोगों से मैं क्या बात करूं। और मैं इतनी एक्साइटेड हूं ना देखने के लिए। चीजियस मैंने पहले खाया हुआ, लेकिन वो इस तरह का नहीं था कि मैं उसको काउंट करूं। तो यकीन मैंने जिंदगी में पहली दफ़ा ही चीजियस खाने वाली हूं, तो जिसमें मैं ट्राई करना चाहती हूं उनका दिल से एक बजिंगा जो है और एक उनका क्राउन क्रस्ट पिज्ज़ा। तो ये दोनों चीज़ें मैं आज उनकी ट्राई करूंगी और बाकी सारी चीज़ें भी आपको ऐसा ऐसा टेस्ट करके दिखाते हैं। तो चलो चले। लाल मैडम ने एक्सेसरी बैग पकड़ लिया और थोड़ी टिप टॉप तैयार हुई हैं, ये उबर में बैठने लगी हैं। और ये रहा मैडम, इन दोनों ने मैचिंग पता नहीं क्यों की हुई है, खैर ही हुए। तो सिनेरियो ये था कि मेरी एक अदद दोस्त थी, दोस्त नहीं कज़न है यार, ये क्या है? अच्छा, सिनेरियो ये है कि मेरी एक अदद कज़न है जो लाहौर पढ़ने आई हुई, तो मैंने उसको भी बुलाया, लेकिन उसकी ना 2-3 दिन पहले बर्थडे थी, तो मैंने उसके साथ प्लान किया था, लेकिन मैंने कहा कि चलो तुम इधर ही आ जाना, हम लोग सारे इतना ज़्यादा मेन्यू 29 आइटम्स हम लोग तो खाने से रहे, तो मैंने कहा सब जितने लोग आ सकते हैं हम उनको बुला लें। तो मैंने कहा हम उसकी बर्थडे भी इधर ही कर लेंगे। उसको नहीं पता कि हम केक लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी हम जा रहे हैं और केक पे मैंने उसका नाम वगैरह लिखवा दिया रास्ते में, बिल्कुल हम लोग चीजियस के पास हैं। मुझे अभी याद है कि नहीं यार, मैंने तो उसके लिए केक लेना था, हमने उसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करनी है। जी, हम लोग पहुँच गए चीजियस की बिल्कुल नहीं नवेली ब्रांच पे। और एक मिनट, मैं अपनी बैठने की जगह तो बना रही थी, जिसकी नई नवेली बनी बनाई ब्रांच पे। और ये हमारे पास आ गया है मेन्यू इनका। तो क्या नहीं, जब से मैंने बाइकआउट स्टार्ट किया ना तब से मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं पाकिस्तान के ब्रांड्स पे इतना ध्यान देना शुरू हो गया। अभी मैं गौरमे की एक चीज़ ट्राई करी थी, वो इतनी मज़े की थी, जो पैटी मैं तुम लोगों के बारे में बता रही थी। लेकिन अब लेट्स डू सम फूड ब्लॉगिंग फुल टाइम। और अभी मुझे पता चला कि ये जो ड्रिंक है इसमें आप अनलिमिटेड रिफिल्स करवा सकते हो चीज़ें, इसमें मतलब मुझे पहली दफ़ा देखने को मिला है, मुझे पता नहीं थी ये बात। तुम्हें पता थी रहा? मैं बहुत चीज़ें जा चुके हैं, मैं नहीं जाती, इसलिए मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हो रही हूँ, ओवर एक्साइटेड। मैंने भी बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड, प्राउड ना था। मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों को कभी एक्सेसरी बैग का टूर नहीं कराया, तो उसी दिन मैं तुम लोगों को एक्सेसरी बैग का टूर करा देती हूँ। ये मेरा एक्सेसरी बैग है, जो कि मैंने आपको पेमेंट बताई हुई है मैंने कितने का लिया है और कहाँ से लिया है, वो ब्लॉग में बताया था। फिर पूछोगे तो कमेंट्स में बताओ, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। एक मिनट, ये रहा मेरा एक्सेसरी बैग, अबे खुल जा। एक मिनट, ये चेक करें, ये मेरा गिम्बल है जो कि बहुत आला किस्म का गिम्बल है। ये मेरा पावर बैंक है मेगा वाला, ये मेरे गिम्बल का नहीं, ये लाइट का स्टैंड है, ये मेरी लाइट है। शिट, अभी मेरी जान निकलने लगी थी क्योंकि मुझे लगा लाइट की बैटरी नहीं लेके आई। ये मेरी लाइट की बैटरी और ये लाइट का स्टैंड है, ये पूरा लाइट का फ्रेम है ये, और ये है माइक, माइक मेरा बड़ा अच्छा किस्म का माइक है। मैं एक्सेसरी दिखाते दिखाते मैं गायब हो जाती हूँ। अच्छा, मैं एक्सेसरीज दिखाई थी, देख ली है सारी, अब मैं इनको पैक करती हूँ। मेरा टूर हो गया तुम लोगों का, उसका क्या कहते हैं, एक्सेसरी बैग का। और ये मेरे सख्त वाला इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि चीज़ें अंदर जितनी मर्जी लगती फिर इतनी बर्बाद नहीं होंगी जितने मैं इनको बाहर से तोड़ देती हूँ। तो ये फुल मजबूत है, आला किस्म का बैग। बजिंगा की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने चीज़ के। बजिंगा एक करवाऊं, तीन करवाऊं, एक ही, एक ही सारी हर चीज़ एक। एक बजिंगा हो गया, उसके बाद सामान स्पेशल में आ जाता है, चिकन टिक्का हाँ स्मॉल, चिकन फजीता स्मॉल, चिकन लवर स्मॉल, चिकन तंदूरी स्मॉल, हॉट एंड स्पाइसी स्मॉल, वेजिटेबल नहीं होता। अच्छा, इसमें अल्लाह इसको देख लो जरा। अब हम लोग आ गए हैं चीजियस की जो है रूफ टॉप वाली सिटिंग पर। मेरे पीछे आप लोगों को चीजियस का बोर्ड नजर आएगा। और ये देखें चीजियस की रूफ टॉप सिटिंग, और ये रही मेरी बहनें, और ये रही चीजियस की ऊपर का व्यू। लोगों की छतें नजर आ रही हैं, खैर छोड़े, लेकिन बना बहुत प्यारा है। चीजियस वालों ने हमें अपने बैलून्स दिए हैं क्योंकि मेरी दोस्त जिसकी बर्थडे है। आके बैठते हैं, आप जब CSS की इंटरव्यू देने जाओ ना तो आपके एक चीज नोट करते हैं, आपके बैठने का तरीका, आपके बात करने का तरीका। हाँ, तो उसमें ये कहते हैं कि वो आके ना बैठता है बंदा, तो आगे से वो जो इंटरव्यूअर होता है ना वो कहते हैं
आपके बैठने आप ठीक चल के आए हो लेकिन आपके बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये मीम बन गई है। तो ये मीम बन गई। अच्छा, ये बलून्स क्यों आए ये भी बताओ। क्योंकि हमारी एक कजन है, उसकी बर्थडे। हाँ, और उन्हें चीजें हमें अपने गुब्बारे दे दिए। गाइस देख रहे हैं क्या चल। मैंने ना पहले मेरी छड़ी आ गई ना, तो तुम आहिस्ता आहिस्ता हमारा फूड कलेक्ट होना शुरू हो गया। और ये देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। ओए, और ये चेक करें। ओए, ये क्या कोला जोना बाइट्स सैंडविच। ये चिप्स पूरा आ गया, थोड़े थोड़े भी दे। एक्साइटमेंट क्यों नहीं हो रही मुझे, गाना लगाएं एक्साइटमेंट वाला। हाँ जी, मेन्यू आ गया है सारा, और इसको हम एक टेबल पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पिज्जा इतने अच्छे लग रहे हैं। आई एम गोइंग टू ट्राई चीज़ का पिज्ज़ा पहली दफ़ा, और जिन्होंने ट्राई किया वो मेरे पे हंस ही रहे होंगे। खैर, व्हाटएवर, शी इज माय मदर, व्हाटएवर। जो वीडियो का थंबनेल बना लो ऐसे करके। ये चेक करें, हाँ ये चेक करें एंटायरमेंट। मुझे बताएं क्या क्या ये क्या है। आप कितने फ्लेवर्स के पिज्जा हैं ये बताएं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ बताने। वाओ, ये कितनी आइटम्स है वैसे इन टोटल, किनों कितनी आइटम्स है। चलो जी, अब हम खाते हैं एक एक करके चीज़ें। और आप लोगों को बता दें ये विंग्स हैं। ये है बाजिंगा, खोल के दिखाओ बाजिंगा, टेस्ट करें। तो नहीं आ रही। मैंने सुना है कि ये KFC के बहुत करीब लगता है इनका, ये जो बाजिंगा बर्गर है। और हमने ऑब्वियसली ऑल्टरनेट स्टार्ट किया। हम मैकडोनल्ड्स का इंटायर मेन्यू भी कर सकते थे, लेकिन हमने चीज़ का किया क्योंकि ये प्राउड पाकिस्तानी। सारी टीम ने मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाई है। नहीं, मैंने भी नहीं ऐसा कहा, सबने अपनी मर्जी से खिंचवाई है। आपको भी नहीं मैंने मना किया, देखने में सारे मेरे ब्लॉग में आ रहे हैं। मैं तो भी कह रही थी खुद सारे फिट हैं और लोगों को फास्ट फूड खिलाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग घर आ गए थे और हम लोगों ने मजीद व्लॉग के बारे में तुम लोगों को नहीं अपडेट किया। जो सारा खाना था वो हम लोगों ने रोहाब को दे दिया, ताकि वो अपने ऑफिस में, उसने ऑफिस में अपने बांट दिया। और हम लोग आ गए घर, और टोटल बिल हमारा, मैं बिल यहाँ पे लगा दूंगी, ऑलमोस्ट बना था 17-18 हज़ार का, ठीक है। और काफी वैरायटी की चीजें थी, गिन खुद लेना क्योंकि मुझे याद नहीं रहा गिनना, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट था और हमें सारा कुछ कवर भी करना था। और टेस्ट वाइज तो ऑब्वियसली बेस्ट ही था। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप वीडियो को यहाँ तक पहुँच गए हैं। वी लव यू, और दुआ करें कि आमना पतली हो जाए। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय।